देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे, सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था, अब एक साल का अनुभव है, संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं, संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग, गांव में कोरोना को प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे और बहुत उत्तम तरीके से व्यवस्था भी करेंगे। जो भी गाइडलाइंस समय समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें यह सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है, हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। अब 1 मई से 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आप सभी साथियों के सहयोग से ही ये टीकाकरण अभियान सफल होगा। साथियों, इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा न सोए, गरीब से गरीब का भी चूल्हा न जले, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। इसका लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। साथियों, ये राशन गरीबों का है, देश का है। अन्न का हर दाना उस परिवार तक पहुंचे, तेजी से पहुंचे, समय पर पहुंचे, जिसको इसकी जरूरत है, ये सुनिश्चित करना भी हम सबका काम है। और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें और पंचायत के हमारे साथी बखूबी इसको भी निभाएंगे। साथियों, ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधि के रूप में आपका रोल लोकतंत्र को मजबूत करना है और गांव की आकांक्षाओं की पूर्ति करने का है। हमारे गांव भारत के विकास और आत्मनिर्भरता के अहम केंद्र रहे हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी कहते थे, आत्मनिर्भरता से मेरा अर्थ है ऐसे गांव जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर हो। लेकिन आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि अपनी सीमाओं में हम बंध जाएं। पूज्य बापू के विचार कितने स्पष्ट है, यानी हमें नए नए अवसरों को, नई नई संभावनाओं को,
तलाशते हुए अपने गांवों को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है। साथियों, पिछले साल जिन 6 राज्यों में स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी, वहां 1 साल के भीतर ही इसका प्रभाव भी देखने लगा है। स्वामित्व योजना में ड्रोन से पूरे गांव का, संपत्तियों का सर्वे किया जाता है और जिनकी जो जमीन होती है उसे उनका प्रॉपर्टी कार्ड, संपत्ति पत्र भी दिया जाता है। थोड़ी देर पहले ही 5,000 गांवों में 4,00,000 से ज्यादा संपत्ति मालिकों को ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए हैं। स्वामित्व योजना की वजह से आज गांवों में एक नया आत्मविश्वास लौटा है, सुरक्षा का एक भाव जागा है। गांव के घर का नक्शा, अपनी संपत्ति का दस्तावेज जब हाथ में होता है तो अनेक प्रकार की आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। इससे गांव में जमीन जायदाद पर होने वाले झगड़े कम हुए हैं, कहीं कहीं तो परिवार के झगड़े भी नहीं खत्म हुए हैं। गरीबों दलितों का शोषण की संभावनाएं भी रुकी हैं, करप्शन का एक बड़ा रास्ता भी बंद हुआ है, कोर्ट कचहरी के मामले भी बंद हो रहे हैं। जिन लोगों को अपनी जमीन के कागज मिल गए हैं उन्हें बैंकों से लोन भी लेने में आसानी हो रही है। साथियों, स्वामित्व योजना की एक और विशेष बात है, इस योजना में ड्रोन सर्वे के बाद हर गांव का एक पूरा नक्शा, जमीन का पूरा हिसाब किताब भी बन जाता है। इससे पंचायतों को गांव में विकास के कामों को एक लंबी सोच के साथ, एक विजन के साथ व्यवस्थित ढंग से करने में भी ये नक्शा, ये मैप बहुत काम आने वाला है। और मैं सभी सरपंचों से आग्रह करूंगा, इसको बड़ा समझदारी से आगे बढ़ाएं ताकि गांव व्यवस्थित रूप से विकसित हो। एक प्रकार से गरीब की सुरक्षा, गांव की अर्थव्यवस्था और गांव में योजनाबद्ध विकास, इनको स्वनिधि योजना सुनिश्चित करने वाली है। मेरा देश के सभी राज्यों से भी आग्रह रहेगा कि इसके लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन करने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लें।